जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन फिर से आना चालू हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि देखो मई में भर्ती नहीं होगी करके, आपकी जो रेली भर्ती चालू होने था वो जून में चालू होना था, तो मैंने आपको बताया था पहले, इसकी जानकारी दे दिया था कि भर्ती चालू होगी करके, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है, 4 ERO का रेगुलर नोटिफिकेशन आए हुए हैं। अभी जिस मैं अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो कोटा का है, आप देख सक रहे हो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया हुआ है, कोटा राजस्थान की जो भर्ती है उसके बारे में दिया हुआ है, 11 जुलाई से आपका जो है रैली होना है, ठीक है साथियों। तो इसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ अपने अपनी इस वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका फुल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। और भी भर्तियाँ आई हैं, इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगी जोधपुर की, झुंझुनू की और जयपुर की है, और एक ये है अलवर की, ठीक है साथियों। तो अभी मैं कोटा का वीडियो बना रहा हूँ, आपको बैक टू बैक पूरी भर्तियों का वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और अभी अब सब्सक्राइब नहीं किया उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपको जो भर्ती देखने को मिलने वाली है उसमें पूरी वीडियो आपको बैक टू बैक बनाकर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं कोटा राजस्थान वालों का जो नोटिफिकेशन वो आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख रहे हो इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा, ठीक है। तो ये राजस्थान की भर्ती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट अजमेर राजस्थान, ठीक है, अजमेर राजस्थान की है, जिसमें फ्रॉम 11 जुलाई से आपको 2 अगस्त तक भर्ती चलना, ठीक है साथियों। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मई की जो भर्ती है पूरी पोस्टपोन हो गई है, यदि आपकी जो भर्ती थी मई में पोस्टपोन हो गई तो उसकी न्यू डेट भी जल्दी आने वाली है। अभी ये इन भर्तियों का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपकी जून जुलाई से भर्ती चालू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जुलाई की आपकी भर्ती दिख गई है, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर कोई फेक वीडियो लेकर नहीं आता, अपने चैनल पर पूरी ट्रू जानकारी लेकर आता हूँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे चैनल, ठीक है। तो अब इसमें आपको बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है और कौन कौन से स्टेट के उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आप दिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी एड विल बी ओपन फॉर्म, 14 मई से आपका फॉर्म चालू स्टार्ट होने हो जाएगा और 27 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है साथियों। और इसमें जो आपका जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी की निकली हुई है, मतलब जीडी की निकली हुई है, टेक्निकल की निकली हुई है, सोल्जर ट्रेडमैन की निकली हुई है, एट और टेंट पास दोनों की है, ठीक है। बस तो इनको कौन अप्लाई कर सकता है, अजमेर वाले, बरमान वाले, बूंदी वाले और भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले, ठीक है, और जालंधर वाले और कोटा वाले, ठीक है। इतने लोग के लिए अभी कौन सी भर्ती निकली हुई है, जीडी की, टेक्निकल की और ट्रेडमैन की, ओनली इतनी निकली हुई है, आपके क्लर्क के लिए नहीं निकली हुई है और नर्सिंग की नहीं आई हूँ, ठीक है। आप अच्छे ध्यान से पढ़ लेना, आपके जो ज़िला है उसका नाम दिया हुआ है आपको, ये देखिए, सिर्फ इतने लोगों के लिए अभी ये भर्ती, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए इसमें आई हुई है कौन कौन से स्टेट है। पहले आपको वैकेंसी बता देता हूँ कौन कौन से उनके लिए, सोल्जर करके की है और एन ए की, नर्सिंग की आई हुई है, वेटनरी की है, CPO फार्मा की आई हुई, ठीक है। और इसमें आपको कौन से कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो, अजमेर, बरमान, बूंदी और भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालंधर, कोटा, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, ये है, ठीक है साथियों। ये इतने के लिए आई हुई है, आप मैं बता दिया हूँ, ये इतने आप जो ज़िले वाले हो उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपके कौन कौन से ट्रेड के लिए आप भर्ती आई हुई है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बता देता हूँ साथियों, अभी भी यदि कोरोना जो महामारी अभी फैली हुई है यदि वो कंट्रोल हो जाती है तो ये भर्ती होगी, यदि महामारी जैसे ही और ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाती है तो आपकी ये भर्ती पोस्टपोन कर दी जाएगी। यहाँ पे साफ निर्देश दिया हुआ है, दिस डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव एंड माइट टू बी चेंज, आपकी भर्ती चेंज की जा सकती है, इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले ही नोट में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सोल्जर ड्यूटी के लिए आपकी एज कितना रखा गया है और कौन कौन सा आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। आपका जो जीडी के लिए आपको सबको पता है 17.5 से 23 ईयर तक लिया जाता है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अक्टूबर 2000 से अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका इसका चेस्ट आपको पता है 77.5 इंच प्रेशर ही लेता है और क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात कर लें टेक्निकल की, ओनली टेक्निकल सोल्जर, ठीक है, इसमें 17.5 से 23 ईयर तक रहता है। मैं आपको बता दूं कि अब आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया है, इसमें 1998 से 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी हाइट सेम रहेगी 170 77.5 इंप्रेशन, आपका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। ट्रेडमैन के लिए साथियों एक और पोस्ट आई हुई है सोल्जर ट्रेडमैन के लिए, ये ओनली 10th पास वालों के लिए, ऑल आर्म सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पोस्ट की, 8th पास वालों के लिए सोल्जर ट्रेडमैन के, ठीक है। टेक्निकल वालों को मैंने आपको बता दिया, ट्रेडमैन वाले 8th और 10th पास है, आप देख सकते हो ये, और आपका जो
दिया हुआ है आपका चेस्ट और हाइट, हाइट आपका इसमें सेम लिखा है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोल्जर क्लर्क की, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 ईयर तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, 1998 से 2004 के बीच रहनी चाहिए। इसमें आपकी हाइट थोड़ा कम लिया गया है 162 सेंटीमीटर और आपका हाइट और चेस्ट एक सा लिया गया है। सोल्जर टेक्निकल मतलब एनए नर्सिंग के लिए आपका जो रहने वाला है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग का, इस आपका भी इसमें सेम रहने वाला है 170 हाइट रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन पता है, आपका बायो रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है साइंस का। ठीक है, सीपीओ फार्मा, सीपीओ फार्मा के लिए साथियों आपका 1925 का एज होना चाहिए, 1998 2020 का आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए। बस दोस्तों आपके पास फार्मा की डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है, यदि आपके पास डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री है तो आप इसको क्वालिफाई हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इससे हम हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें आप छूट की बात कर लेते हैं साथियों, यदि आपके फादर या ब्रदर आर्मी में है तो आपको इसमें छूट दी जाएगी, हाइट चेस्ट सभी में छूट दी जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्समैन से हो आप तो इसमें भी आपको छूट दिया जाएगा, हाइट चेस्ट और वेट तीनों में। ठीक है, और ग्राउंड की मैं आप बात कर लेता हूँ, आप सबको पता है अपना ग्राउंड होता है 1.6 किलोमीटर का होता है साथियों, यदि आप इसको 5.30 सेकंड में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप साथियों इसको 1.6 किलोमीटर को 5.31 सेकंड में क्वालिफाई 45 सेकंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आशा आई होप कि आप एक्सीलेंट मारे और पुशअप पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे, जिग जैग आप सबको पता है आपका होगा। और एक और आपको बता दूँ, बहुत इसमें आपको नोटिफिकेशन एडवाइस दिए गए COVID-19 को लेकर। ठीक है, COVID-19 को लेकर आपको एडवाइस दिया गया है, आपके पास नो रिस्क सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब भर्ती में जाएंगे तो आपके पास मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, मार्क्स लेकर जाइएगा और सॉप लेकर जाइएगा, मतलब साबुन वाटर रिप्लेस मार्क्स, और ये मतलब आपके पास मार्क्स एक ही रहना चाहिए, बहुत मतलब मार्क्स भी ज़्यादा लेकर जाना है, सिंगल मार्क्स लेकर नहीं जाना, साफ निर्देश दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ डैम्प्ड एंड डू नॉट रीयूज़ सिंगल मार्क्स करके। ठीक है, मार्क्स और सैनिटाइज़र आपको लेकर ही जाना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे सैनिटाइज़र का भी बताया हुआ है कि आपको सैनिटाइज़र भी लेकर जाना है करके। ठीक है, तो ये आपका अपनी सावधानी के लिए आप ले जा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपको एडमिट कार्ड लगना है, फोटोग्राफ लगना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगना है, 10th 12th की मार्कशीट आपका लगना है, सर्टिफिकेट और आपको डोमे के लिए सर्टिफिकेट लगना है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, कार्ड सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका पंचायत से बनेगा और थाने का बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आने वाला है नो क्लेम सर्टिफिकेट, मतलब आपका कोई भी थाने पर आपका कोई क्लेम नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए, वो आपका जो थाने से बनता है आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यदि आपके फादर या ब्रदर आर्मी होंगे तो आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले एक और बात, एफिडेविट करना आपका बहुत ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, आप NCC से हो या स्पोर्ट्स कोटा से हो या आपके पिताजी या ब्रदर आर्मी में हो तो आपको इसमें छूट दी जाएगी, और इसकी जानकारी लास्ट में मैं बता दूंगा। एफिडेविट मैंने आपको बताया था, और आपको पहचान पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी। यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है अपने मैंने ये जानकारी बताया उसमें, तो साथियों इसमें आपके लिए एक टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर आपको यदि समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, जिस भी चीज़ की आपकी जानकारी आपको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं करके, तो आप वहाँ पर कॉल लगाकर अपनी समस्या को हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन साथियों मैंने आपको इसकी एटीट्यूड जानकारी दे दी है। एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्पोर्ट्स से हो या NCC से हो या फिर आपके फादर ब्रदर आर्मी में है तो आपको इसमें बहुत ही छूट छूट दी जाती है। तो आपके पास यदि ये तीनों में से कोई भी डिप्लोमा होगा तो आप बेशक ले जाएगा, आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, आइए, आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो मैं अभी जल्दी आपको बनाकर दे दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आप जयपुर की बना दूंगा, जयपुर वालों के लिए कौन कौन से स्टेट वाले आ रहे हैं करके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी तैयारी जारी रखिए, भर्ती बैक टू बैक जल्दी आने वाली है।